नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। ताज नगरी आगरा में नीलामी की आड़ में बैंक मैनेजर द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया। मामला सिंडिकेट बैंक से जुड़ा हुआ है। पीड़ितों का आरोप है कि बैंक मैनेजर ने एक जालसाज से मिलकर बैंक अकाउंट को एनपीए कराया और उनकी कई करोड़ की संपत्तियों को नीलामी के लिए डाल दिया है। इस मामले में पीड़ित ने डीएम आगरा से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि ताज नगरी आगरा के धौलपुर हाउस सिंडिकेट ब्रांच के बाहर हंगामा कर रहे इन पीड़ितों का आरोप है कि बैंक मैनेजर अनुपम श्रीवास्तव ने उनके पार्टनर और फर्म में धोखाधड़ी करने के आरोपी महावीर बघेल के साथ मिलकर उनके खाते को एनपीए करा दिया। इसके बाद गांव कुर्रा चित्तरपुर स्थित सिद्ध बाबा कोल्ड स्टोरेज समेत उनकी कई कीमती जमीनों को नीलामी में डाल दिया। आरोप है कि बैंक मैनेजर पहले कोल्ड स्टोरेज की नीलामी ना कराकर उनकी अन्य कीमती जमीनों को पहले नीलाम करा रहा है, जबकि नियमानुसार जो कोल्ड स्टोरेज बैंक में मॉर्गेज है उसे नीलाम किया जाना चाहिए। पीड़ितों के मुताबिक बैंक मैनेजर अनुपम श्रीवास्तव उनके कोल्ड स्टोरेज में धोखाधड़ी करने के आरोपी महावीर बघेल के साथ मिलकर उनकी कीमती जमीनों को पहले नीलाम करा रहा है। इस संबंध में पीड़ितों ने डीएम आगरा गौरव दयाल से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि जब इस संबंध में बैंक मैनेजर से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्या नाम है आप? अजय कुमार जैन मेरा नाम है। मैं टैन समना कॉलोनी रहता हूँ, सुरेश चंद का बेटा हूँ। इन्होंने एक छह भाई ने एक संगठन करके एक कोल्ड स्टोर खोला कुर्रा चित्रपुर में, श्री सिद्ध बाबा आईसन कोल्ड स्टोर। उसमें 25 पैसे का महावीर सिंह पाठन किया था सन 2008 से, और सन 2009 में इन्होंने लोन लिया और 9 से 15 तक खाते को ना एमपी होने दिया ना ही कोई किस्त बाकी। उन्होंने अपना प्लॉट बेचा, कर्जा लिया बैंक से और किस्तें अदा की। सन 2016 में महावीर सिंह ने और अनुपम श्रीवास्तव मैनेजर नए आए हुए थे, उससे मिलके 16 में महावीर सिंह ने कोल्ड में कब्जा ले लिया, कुछ दबंग आदमियों के साथ मिलके कि इस कोल्ड को हम चलाएंगे। और कोल्ड चलाने के बाद फिर हुआ क्या कि जो उसमें आलू टोटल परिवार वालों ने, मेरे पिताजी ने उसको भरा फुल किया, उसके बाद कुछ दबंग आदमी आके उसमें कब्जा कर लिया। मैनेजर ने कहा कि इसमें पैसा आप खाते में ना डालें और इसको एमपी करा के खाते को और इसको ऑक्शन में लगा देंगे, इस कोल्ड को आप ले लेना। तो उन्होंने एक पैसा उसमें कोल्ड में नहीं डाला, आलू की जितनी निकासी हुई वो पैसा सब हड़प कर गए वो, और ना बिजली का बिल भरा, और कुछ किसानों के आलू भी बेचे, वो जनसा मुकदमा भी लगा दिए हैं 2-4। और उसने एक जो भाई के जन सीए मौजूद था, जो हर साल कोल्ड की बैलेंस शीट बनती थी घाटे मुनाफा की, इसने एक नया सीए संदीप सक्सेना नया सीए उन्होंने बताया था, अनुपम श्रीवास्तव ने बताया था एक नया सीए कर लो, वो सीए में बैलेंस शीट बनवा के, फर्जी बैलेंस शीट बनवा के और वो लगा दी इसमें, और खाते को रिन्यूअल नहीं होने दिया, और रिन्यूअल ना होने के कारण खाता एमपी हो गया। और उसमें हमारी जो कीमती संपत्तियां थी जो छह भाइयों की मेहनत करके उन्होंने लगाया था, उसको इन्होंने पार्टी सेट कर ली सब और उनको ऑक्शन में लगा दिया है। कायदा से पहले कोल्ड को ऑक्शन किया जाए कि प्लॉटों को ऑक्शन करेंगे ये हैं? कोर्ट में क्या मामला चल रहा है? कोर्ट में विचाराधीन केस चल रहा है। कोर्ट में हमने इनसे साफ मांगा है कि आप हमको ये दीजिए कि आप इसको कैसे कर रहे हैं, और उसमें बैंक से ना हमको हिसाब दिया है, और हम जब भी आते हैं तो हमको लटकार देते, फटकार देते बैंक से। और जो पार्टी हैं, दलाल हैं, वो उसमें सेटिंग है, पहले से सेट कर रखे हैं, उनके खाते भी खोल रखे हैं और उनके पैसे खाते में पड़े हुए हैं और बिट लगा रखी है पहले से ही ऑक्शन के लिए। तो पहले उन्होंने मैनेजर की मिली मैनेजर अनुपम श्रीवास्तव का पूरा इसमें हाथ धोल है पूरा उसका, और उनको मैंने कई बार कहा है कि भाई ऐसा मत करो भाई, परिवार तबाह हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं और सब नष्ट हो जाएगा, परिवार आत्महत्या करने के लिए मजबूर है परिवार, अगर इस परिवार को राहत नहीं मिली तो ये आत्महत्या कर लेगा परिवार। और इसमें अनुपम श्रीवास्तव पूरी सहमति से लगा हुआ है कि ये संपत्ति भी है, हेराफेरी की, और कागजों में हेराफेरी की है उसमें उसमें एक अनुपम श्रीवास्तव जी ने क्या किया था, जो कोल्ड सात जने थे इस कोल्ड में पार्टनर, पहले नंबर महावीर सिंह, एक पार्टनर 25 पैसे का था, इसमें कोई 10 पैसे का 20 पैसे का शेयर था। इसमें हुआ क्या कि जैसे ही अनुपम श्रीवास्तव आए, उन्होंने उसमें पार्टनरशिप अदली बदली कर दी, सुरेश चंद के फर्जी साइन करके परिवार में विवाद हो गया। विवाद होने के कारण
परिवार खिन्न भिन्न हो गया, फिर महावीर सिंह और मैनेजर एक हो गए, इन्होंने फिर कौन को ऑप्शन में लगा दिया। अगर परिवार एक होता तो ये नौबत नहीं आती। नीलामी की गई है, पहले नीलामी इन्होंने 20 तारीख की नीलामी रखी थी 20 मार्च की, उन्होंने 20 मार्च को फिर नष्ट कर दिया गया, पेपर में भी निकला है। उसके बाद फिर 11 अप्रैल को फिर नीलामी निकाल दी और 16 तारीख का ऑप्शन रखा, 16 को ऑप्शन में कुछ प्लॉट नीलामी कर दिया उन्होंने और कुछ आज के लिए भी रखी 17 तारीख के लिए। 3 लाख रुपए भी डाले और हमने कुछ पैसा भी इसमें डाला था। हम पैसा देने की मना नहीं कर रहे हैं, इनका जो निकल रहा है उसे हम देने की तैयार हैं, पर हमको न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरा परिवार दहशत में है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और हमारी इसमें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लगी हुई है, 20-25 करोड़ का प्रोजेक्ट कोलेस्टर में है, प्लॉट भी लगे हुए हैं, खेती भी लगी हुई है, सब दाय पे लगा हुआ है। अगर और अगर हमको ये न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इसका जिम्मेदार अनुपम श्रीवास्तव मैनेजर होगा।